तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या है कि एक सिंगल एक्सलेशन सिस्टम है, सिस्टम शोन इन फिगर, पुली ए मासलेस लाइट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो चलो मान लो, देखो ये इस ब्लॉक को इधर तो खींचेगा नहीं, तो मान लेते हैं ये ए एक्सलेशन से इधर आ रहा है, तो ये भी ए एक्सलेशन से इधर ही आ रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं ट्रिक भी बताया हूँ, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो दूसरा तरीका है, ट्रिक नहीं जानते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, तीन स्टेप में ख़त्म। तो सबसे पहले अब मैं बेसिक से करता हूँ क्योंकि वो सर बच्चे ट्रिक नहीं जानते हैं। तो इस वाले ब्लॉक पे कुल कितना फोर्स लग रहा है जो इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस देखोगे तो mg का कंपोनेंट इधर लगेगा, एक mg साइन थीटा, और टेंशन टी इसको ऊपर खींचेगा लेकिन आ रहा नीचे, नॉर्मल इसके उधर लगेगा, और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर जाएगा लेकिन आ रहा नीचे। तो इसका इक्वेशन बना, mg साइन थीटा ग्रेटर होगा टेंशन से, mg साइन थीटा, एफ इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ यार, नेट फोर्स जो होगा वही एक्सलेशन प्रोवाइड करेगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन। जैसे मान लो ये 80 न्यूटन है, एम जी 80 न्यूटन है, तो एम जी कॉस थीटा 70 न्यूटन होगा, तो 10 न्यूटन से नीचे आएगा, तो 80 माइनस 70 जो बचेगा वो एम ए देगा। समझ रहे हो, ये समझाने का मतलब यार बहुत बेसिक बेसिक करके मैं समझाता हूँ, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से ये वाली चीज़, तो पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया। चलो दूसरे की बात करो, तो ये अगर ए से इधर आ रहा तो इस वाले पे तो हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स लग रहा है भाई। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इधर टेंशन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, एम जी लग रहा है। नॉर्मल और एम जी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस पर एफ इक्वल टू एम ए लगाता हूँ तो सिंपली इस पर टी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड अगर सॉल्व कर लोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर बचेगा 2 टाइम्स ma। तो हमें क्या पूछा था, टेंशन पूछा था, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जब एक्सलेशन निकलेगा तभी तो टेंशन निकलेगा यार। इस ए की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड किसी में रख दो, टेंशन आ जाएगा, ठीक ना। तो मैं सेकंड में रखता हूँ, पुट पुट इन सेकंड, सेकंड में रखोगे तो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू एम ए, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द अमाउंट ऑफ द टेंशन एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग, ठीक ना। तो इस हिसाब से एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, सी ऑप्शन सही बन जाता है। थैंक यू।